सैलून दुकानदारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर दुकानें खोलने और आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। सैलून के दुकानदारों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देकर मांग की है कि जल्द ही उनकी दुकानें खोले जाने की अनुमति दी जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। उन्होंने मांग की है कि यदि नियमों के साथ उन्हें दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो उन्हें आर्थिक पैकेज दिया जाए। सैलून संघ से आए हैं ये, और जब से लॉकडाउन हुए हैं कोरोना महामारी के चलते, तब से लेके आज तक 2 महीने होंगे सैलून दुकान पूर्णतः बंद है। आज हमारे मन के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ा हो गई है, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया है। कटगी ग्रामीण स्तर से जो भी समस्या शासन प्रशासन से हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं, जो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं मिले हैं और हम उनकी स्थिति दिनों दिन बिगड़ते हुए हैं, तो शासन प्रशासन से मैं चाहता कि हम लोग कुछ सहायता राशि प्रदान करें। रायपुर, चापा जानगे, बिलासपुर, ये सब में हमारे सैलून संघ भाई काम कर रहे हैं। महोदय से निवेदन है उसी तरीके से हम लोगों को भी लौदा जिला को काम करने का आज्ञा प्रदान करें।